तो आप ये देख पा रहे हैं ये फाइनली दोनों मोटर न्यू आ चुकी है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे। ये वॉश की है, ये स्पिन की है, ठीक है। तो चलिए आइए रिप्लेस करते हैं। तो ये वॉशिंग मोटर है, अब हम लाएंगे इसका व्हील। देख पा रहे हैं तीनों रबर हमने लगा दिए हैं। ये हम इसे फिक्स करते हैं। ये अपनी जगह फिक्स हो चुका है। अब हम इसके ऊपर इसका तीनों स्क्रू टाइट करेंगे, ठीक है। इसका इसका बिट लगाएंगे। तो ये तीनों स्क्रू है, दोबारा इसको हम रिप्लेस करते हैं। वॉश का पहले बेट लगाएंगे, बेट लगाने के बाद हमें स्पिन मोटर लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे सारे करेक्शन। तो चलिए ये पहले बेट लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बेल्ट की कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, जैसा कि हमने पीछे बताया था आपको। तो अब हमें लगाना होगा सबसे पहले इसमें जो ये व्हील है ये, ठीक है, इसमें लगाना होगा। उसके बाद लगाएंगे उस व्हील में जो गेयरबॉक्स का व्हील है, ठीक है। तो पहले इसमें लगाते हैं। इसमें लगाने के बाद उसमें इजीली लग जाता है, क्योंकि उसमें लगाने के बाद इसमें थोड़ा टफ होता है लगाना, इसलिए सबसे पहले इसमें लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, ये टक से आवाज़ आई, देख लिया आपने, ये पूरा अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, अपनी जगह पे सही से लग चुका है, ठीक है। इसके नट अच्छे से टाइट करना होता है, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मोटर भी ख़राब हो सकती है या आपका गियरबॉक्स भी ख़राब हो सकता है या बेल्ट भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उसका भी ख्याल रखना होता है। चलिए आइए वो स्पिन मोटर लगाते हैं। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं तीनों स्क्रू हमने टाइट कर दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसका स्प्रिंग, और स्प्रिंग लगाने के बाद इसे हम बॉडी में फिट करेंगे, ठीक है। तो इसका हम स्प्रिंग लगा लेते हैं पहले। ठीक है, स्प्रिंग लग चुका है इसमें, और ये जो लॉक है ये यहाँ लग जाता है ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ब्रेक वायर काम कर रहा है इसमें। तो हम लगाएंगे इसकी पुल्ली, कट है, इस कट पे इसके ये वाले पॉइंट को रखना होता है सही से देख करके, क्योंकि वो उस पर अगर नहीं रहेगा आपका तो ये स्लिप मार सकता है इसका शाफ्ट, और इस पर बिल्कुल कट पे रहेगा तो ये अच्छे से प्रॉपर टाइट होगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही जगह पे लग चुका है। अब इसे हम नीचे का लगाएंगे, ठीक है। उसका जब ड्रम लगेगा तब ये ऊपर का बोल्ट टाइट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये नीचे का बोल्ट टाइट कर दिया इसका। वाला बोर्ड लगा दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका। अब ये एक सॉकर लगाया हमने, तीनों सॉकर लगाएंगे इसमें अब, ठीक है।
हमारा दो सॉकर टाइट हो चुका है ये मोटर का, ठीक है। अब हम तीसरा सॉकर टाइट करने जा रहे हैं। इस स्क्रू को हमें 8 नंबर की गोटी की मदद से टाइट करना होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा तीनों सॉकर इसमें लग चुका है, ठीक है। अब हमें करना होगा इसका सबसे पहले सील चेंज, ठीक है। फिर हम करेंगे इसकी मोटर फिट। आइए हम इसका सील चेंज करते हैं पहले। अब हम खोलते हैं इसकी सील और निकालते हैं इसकी सील पहले। ख़त्म है सील। देखिए सील निकल के अंदर जा चुका है, ठीक है। देख सकते हैं सील अंदर जा चुका है। हम दूसरी सील इसमें रिप्लेस करेंगे। तो देख पा रहे हैं ये पुरानी सील है, ठीक है। ये ख़राब हो चुकी है, पानी लगा हुआ है, मतलब ये सील कटी हुई है, ठीक है। तो हम न्यू सील रिप्लेस करते हैं। तो देख सकते हैं ये न्यू सील है, ठीक है। अब हम डालेंगे इसको हॉट वाटर में ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका पीवीसी। उसके बाद इसके रबर में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे बोंड, उसके बाद फिर से हम अपनी जगह प्लेस करेंगे। तो इसको हम डालते हैं हॉट वाटर में। 5 मिनट कम से कम छोड़ना होता है इसको, तब ये जाके सॉफ्ट होता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में तब ईजीली ये लग जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये 5 मिनट से अबव हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए इसमें से भाप निकल रहा है, अंदाज़ा हो गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे हम इसमें, इसके रबर में, और रबर में लगाने के बाद इस पर हम बोन लगाएंगे, और बोन लगाने के बाद इसे हम बॉडी में फिट कर देंगे। इसके लॉक में से इसे बैठाना होता है। तो देख पा रहे हैं ये अपनी जगह सही से फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इसे बोल्ट। तो ये है इसका बोल्ट, इसे हम फेवी बोल्ट भी बोलते हैं। कोई बोल्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो कोई लंबी हो सकती है, कोई बनी नहीं है। इसमें लगाने के बाद वॉशिंग मशीन के बॉडी में भी लगाना होगा ये बोंड, ताकि बराबर सही से फिक्स हो सके। इसमें लगाना होता है ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो सके, जो इसका सील है इसकी पकड़ मजबूत हो सके, ठीक है। और पानी लीकेज के चांसेस कम हो जाए। देख पा रहे हैं ये बिल्कुल हिल नहीं रहा। अब हमें इसे नीचे से इसका लॉक चेक करना होगा, ये सही से इसका लॉक बैठा ही नहीं बैठा, ठीक है। एक लॉक भी अगर नहीं बैठा होगा तो ये सील बाहर निकलने का खतरा है। जब ड्रायर चलेगा तो रोड होता है, इसमें वाइब्रेट ज़्यादा करता है, इसलिए हमें वो चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ से फिक्स हो चुका है, चलिए आइए और नीचे चेक करते हैं। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं एक एक लॉक अच्छे से बैठ चुका है, ठीक है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं सील बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। और अब हम मोटर फिट करेंगे, और मोटर फिट करने के बाद फिर हम ड्रम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो ब्रेक प्लेट का ब्रेक वाला हिस्सा है वो इस तरफ, जो ये वाला लॉक है ये यहाँ पे अपनी जगह पे एडजस्ट हो सके, ताकि ये ब्रेक वायर पे जो लॉक है ये अपनी जगह एडजस्ट हो सके। चलिए पुश करेंगे इसको,
ठीक है, मोटर हमारी फिट हो चुकी है। तो चलिए आइए अब हम इसका ड्रम अपनी जगह पे फिनिश करते हैं। ठीक है, ड्रम लगाते हैं। ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है, तो देख सकते हैं ये तीनों सॉकर प्रॉपर लग चुका है। ठीक है, यहीं से ये तीनों सॉकर फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे। चलिए आइए हम इसका ड्रम लगाते हैं। ड्रम की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ओके है। ठीक है, ड्रम का शाफ्ट भी ठीक है, देख सकते हैं ये। तो आइए हम इसे फिट करते हैं। जो ड्रम का कट वाला पॉइंट है उसको बराबर देख करके बिल्कुल इसको टाइट करना होगा हमें, तभी सही से एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कट वाला जो पॉइंट है बोल्ट के बिल्कुल सामने है। अब हम उसको ड्रम को पुश करेंगे और इसको हम इसका बोल्ट टाइट कर देंगे। नीचे पकड़ो क्या? ना, तो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही है वो। ठीक है, अब हम इसका बोल्ट टाइट करेंगे। इसे टाइट करते हैं। अच्छे से टाइट करना होगा, लूज अगर रहेगा तो ड्रम उठेगा, खतरा होता है, इसलिए बहुत एहतियात से बहुत ध्यान से काम करना होता है। ठीक है, ये वॉश मोटर की मेन है। ठीक है, जो वाइट वाली वायर है। अब हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे और हम वाइट के साथ इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जो मेन लाइन की वाइट वाली वायर आ रही है इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। स्पिन मोटर की जो मेन लाइन की वायर है ये वाइट वाली, तो वाइट से हमने वाइट में कनेक्ट कर दिया। और ये है आपकी वॉश मोटर की, ठीक है, जो मेन है वो वाइट ये वाली है, तो इसको हमने इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब रही इसकी ये दो वायर, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटी की दो वायर से, जो कि कैपेसिटी की दो वायर ये आ रही है वॉश की। ये वॉश मोटर की जो वायर है ये बैगनी कलर है, तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये कैपेसिटर की वायर है, जो कि कैपेसिटर से ये जा रही है। ये कैपेसिटर की वायर है रेड वाली, जो स्पिन मोटर के एक वायर से हम कनेक्ट करेंगे रेड से। ठीक है, और ये आपकी रही ब्लू वाली वायर, तो हम ब्लू को ब्लू से कनेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं ये कनेक्शन हमने कर दिया इसका। कैपेसिटी की वायर आ रही है, स्पीड मोटर की वायर आ रही है ये रेड वाली, और ये कैपेसिटी की वायर आ रही है। ठीक है, और ये आपकी आ रही है स्पीड मोटर की ब्लू वाली। ठीक है, जो कि ये कैपेसिटर से होते हुए टाइमर में जा रही है। ठीक है, तो कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब हम इसे चला करके चेक करेंगे। आइए चला करके हम इसको चेक करते हैं। उससे पहले हमें लगाना होता है ये बेल्ट। स्पिन लीड उठाना होता है, ठीक है, उसके बाद ये बेल्ट हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं इसको ऐसे इस तरफ से,
देखिए ऐसे लगाना होता है, ठीक है। ये हमारा लग चुका है, देखते हैं। ये हमने ऊपर का स्पिन लेट डाउन किया और ये देखिए ब्रेक हमारा ये इसका हट गया, ठीक है। ये हट गया ब्रेक, ब्रेक हट चुका है। अब हम इसका कवर उठाएंगे, देखिए स्पिन लेट उठाते हैं तो वो ब्रेक जा कर के लग जाएगा, देख सकते हैं। काम कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसमें सब में टेप करना होगा। अच्छे से देख पा रहे हैं, हमने सब में टेप अच्छे से कर दिया है, ठीक है। सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये हमने ब्रेक वायर में भी इसका बेल्ट लगा दिया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे ये एरो में इसका ये वाला बेल्ट जो डंप वॉल का बेल्ट है, इसे भी हम लगा देंगे और इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए काम कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। और जब हम इसके ढक्कन को उठाते हैं स्पिन कवर को, तो ये ब्रेक जो है नीचे का देख सकते हैं, ब्रेक हम लग जाता है नीचे, ठीक है। और जब हम इसको इसके स्पिन कवर को हम जो है नीचे डाउन करते हैं तो हमारा ब्रेक उठ जाता है, खुल जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे चला करके चेक करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे जो ड्रम का ऊपर का कवर लगाते हैं उसके बारे में। और जब हम ड्रम में कपड़ा डालते हैं तो कपड़े की तादाद हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। कम क्वांटिटी में अगर कपड़ा रहता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रम टूटने का खतरा होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम पहले चला करके इसको चेक करते हैं। वॉच मोटर दोनों साइड मूव कर रहा है, ठीक है, ये दोनों साइड मूव कर रहा है। अब इसे हम बताएं स्पिन मोटर को कि स्पिन मोटर हमारी चल रही नहीं चल रही है, ठीक है। देखिए ये चल रहा ओके है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसे भी हम बंद कर देंगे और इसका स्पिन लीड जैसे उठाएंगे इसमें ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर को हमने अपनी जगह पे प्लेस करना है, इसको लॉक कर देना है इसमें, देखिए लॉक हो चुका, ठीक है। और इन सारी वायर को हमें सेफ्टी के साथ बांधना होगा। देख पा रहे हैं हमने अच्छे से इसको लॉक कर दिया वायर को, और जो मेन लाइन की लीड है इसे भी हम सही से इसमें लॉक करेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। देखिए हमने इसे भी लॉक कर दिया अपनी जगह पर, चलिए आइए हम इसको बैक कवर बंद कर दें। देखिए ये लॉक लग गया, ये भी लॉक लगाना होगा हमें, ये भी लॉक लग गया, ठीक है। फाइनली हमारा बैक कवर बंद हो चुका है, ठीक है। चलिए आइए अब हम इसका जो ड्रम का ऊपर वाला कवर है वो लगाते हैं। इसका लॉक हम लगाएंगे अपनी जगह पर और इसके ऐसे पुश करना होता है। देखिए अपनी जगह पे ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। देखिए तो हम इसे चेक करने वाले हैं, फिर से हम प्लग लगाएंगे इसका और स्विच हम ऑन करेंगे और इसे हम चालू करके चेक करेंगे। देखिए दोनों तरफ मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखिए बिल्कुल ओके है। एवी पे करके देखते हैं, ये स्पिन टाइमर मूव करते हैं तो देख पा रहे हैं ये स्पिन भी इसका प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। हम इसे बंद कर देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रोटो नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।